हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप देख रहे हो, आज ये कुछ नया सा है मेरे वीडियो पे। और ये और कुछ भी नहीं, लड्डू गोपाल की होली स्पेशल ड्रेस है। ये कलरफुल ड्रेस बिना किसी सिलाई से मैंने बनाई है। कैसे आप ग्लू गन की मदद से इतनी सुंदर ड्रेस बना सकते हो, बहुत ही सिंपल मेथड्स यूज़ करके, तो इसी के ऊपर ये पूरा वीडियो है। तो एंड तक इसे देखना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या मटेरियल्स लगने वाले। उसके लिए आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखना होगा। सो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या मटेरियल्स लगने वाले हैं। यहाँ पे मैंने 5 तरह के नेट्स लिए हैं, 5 अलग अलग कलर्स के नेट लिए हैं। कलर्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन सा कलर देना चाहते हो। उसके बाद हमने सबसे इम्पॉर्टेंट है बेस। बेस के लिए यहाँ पे मैंने वाइट बकरम लिया है। बकरम बोलते हैं या फिर फैब्रिक पेस्टर आप बोलते हो उसको। ये मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाता है। किसी भी शर्ट के या किसी भी टेलर के पास आप जाओगे पूछोगे तो आपको बता देगा कि ये कहाँ मिलेगा एंड कैसे मिलेगा। ये मैंने लिया है, ये वन साइड पेस्टिंग वाला है, अदर साइड वाला जो है नॉर्मल है। इसे पोशाक के नीचे बेस देने से पोशाक काफ़ी मतलब अच्छे से खड़ी खड़ी रहती है, वरना बहुत लूज़ हो जाती है। तो ये मैंने लिया है। ये जितनी बड़ी पोशाक आपको बनानी है उतना बड़ा राउंड आप इसे कट कर लोगे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कट करके रखा है। इसके ऊपर में हम वाइट सैटिन का पूरा बेस देने वाले हैं। इस सैटिन के ऊपर हम नेट लगाएंगे। ये इसके ऊपर आएगा। इस टाइप की कोई भी आप कलर की लेस ले सकते हो, फैंसी लेस, कुछ इस टाइप के स्टोन्स ले सकते हो, कलरफुल स्टोन्स। मैंने यहाँ पे पेपर फ्लावर लिया है 2-3 कलर्स के। तो चलिए बस इतना ही मटेरियल। एंड हाँ, डोरी के लिए मैंने यहाँ पे एक डोरी ली है जिससे कमर में पोशाक बंधेगी। तो चलिए मिनटों में बन जाएगा ये पोशाक विदाउट एनी स्टिचिंग। ग्लू गन की मदद से हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, शाइनी पार्ट को सैटिन का नीचे रखना है। एंड जो नॉन शाइनी पार्ट है उसको आप यहाँ टॉप पे रखोगे। उसके ऊपर में आपको ये जो बकरम है, बकरम का जो शाइनी पार्ट है वो आप इस पोर्शन पे रखोगे। एंड फिर इसके पीछे से आप आयन करोगे। ये आयन करने से पेस्ट हो जाएगा। ये देख रहे हो आप, ये इस तरीके से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया। ये इस तरह से पेस्ट हो गया, कितना मस्त लग रहा है। अब हमें जो करना है वो इस तरीके से आप देख रहे हो, इसे फोल्ड करना है हमें हाफ एंड देन अगेन हाफ एंड देन इफ पॉसिबल अगेन एक हाफ ले लो आप इस तरीके से। एंड देन सेंटर में आपको कमर के लिए इतना कट करना होगा। सो आप नॉर्मली इसे कट कर लो। ये देख रहे हो आप, सेंटर में कट करने के बाद में आपको वन साइड में थोड़ा सा और कट करना है। सो रैंडमली एक डायरेक्शन में स्ट्रेट थोड़ा सा कट करना है ताकि पोशाक अच्छे से घुस सके। तो इस तरीके से आपको कट देना है। ये होने के बाद ये हमारा बेस पूरा रेडी हो चुका है। अब हमें जो करना है वो है, इसके चारों तरफ में हमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारे पास बचा था उससे हम इस तरीके से मोड़ लेके आ जाएंगे, जिसमें हम अपने वेस्ट में भरने के लिए धागे को लगाएंगे। तो हमें इस तरीके से इसे लगाना है चारों तरफ में, तो वो हम ग्लू गन की मदद से लगा लेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, जो हमारे पास फैब्रिक है, फैब्रिक का एक लंबा हिस्सा हमें बस कट कर लेना है। ये जो लंबा हिस्सा हो गया इसी की मदद से हम करेंगे। सो आपको इस तरह का एक रेक्टेंगल पीस ले लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अंदर की तरफ में थोड़ा सा ग्लू लगाना है एंड फैब्रिक को इन्वर्ट फोल्ड करना है ताकि इसके रेशे ना निकले। सो इस तरीके से आप इसे अच्छे से अंदर फोल्ड कर दोगे। ये देख रहे हो इस तरीके से। देन उसके बाद आपको क्या करना है, हमें ये वाले पोर्शन से यहाँ पे अंदर में डालना है, पेस्ट करना है एंड देन इसे घुमा के थोड़ा इधर पेस्ट करना है। आपको ये गैपिंग थोड़ी छोड़नी होगी एंड थ्रू आउट हमें ये सर्कल पोर्शन में इधर तक पूरा इसी तरीके से ग्लू गन से पेस्ट कर लेना। तो आइए कर लेते हैं। ये आप देख रहे हो ये वाला पूरा, ये इसको नेफा बोलते हैं, ये नेफा लग चुका है, कमर बन चुका है। मैंने यहाँ पे रिबन भी डाल दिया है और ये बैक साइड से इस तरीके से है एंड फ्रंट साइड से इस तरीके से है। ओके ये हमारा होने के बाद में अब जो मेन काम आता है वो है नेट्स का। तो आप नेट्स का क्या करने वाले हो, ये देख रहे हो, ये नेट्स जो मैंने लिया है ये सब मैंने इक्वल लेंथ में लिया है। एंड मैं आपको डीप कलर से दिखाती हूँ। ये देख रहे हो, ये मैंने रेक्टेंगुलर पीसेस लिए हैं।
और लेंथ जो है ये, जैसे आप लंबा लोगे तो ज़्यादा चुनट आएगी और ज़्यादा अच्छा दिखेगा, और लंबाई जो है ये हम बाद में कट कर देंगे, सो वो मैटर नहीं करता है। सो सबसे हमें पहले स्टार्ट कैसे करना है, हम इस तरीके से नेट को प्लीट्स प्लीट्स बना बना के, चून चून दे दे के इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो आपको कलर बाय कलर डालना है, तो यहाँ पे जो एक है उसका दो बन जाएगा एक्चुअली। सो इसे हम सेंटर में लेके इस तरीके से इक्वल हाफ में कट कर लेंगे, एंड इस तरीके से प्लेट्स प्लेट्स बैठा के ये आप देख रहे हो इस तरीके से आएगा, ये इधर पे आपको लगाना है। सो हम सबसे पहले ये वाला साइड लगाएंगे, ऐसे करके आपको बैक टू बैक सारे कलर्स देने। मैं यहाँ पे पहले ब्लू, फिर येलो, फिर पिंक, ऐसे करके हमें पूरा इसे कवर करना है। तो आइए कर लेते हैं। ये देख रहे हो आप, इस तरीके से हमें लगाना है। मैंने चून करके यहाँ पेस्ट किया है, फिर उसके बगल में पेस्ट किया, इन दोनों की जो यहाँ पे ये थी इन दोनों को यहाँ से पेस्ट कर दिया। ये चीज़ को आप डरिए मत, यहाँ पे हम लेस डाल के इसे कवर करेंगे। सो इस तरीके से हमें सारे कलर्स को यहाँ पर लगाना है। सो ये आप देख रहे हो ये कितना प्यारा लग रहा है, कलरफुल सा, एंड ये वाइट नीचे बेस देने से ही इफ़ेक्ट आया है। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो लेस हमने लिया था, इस लेस को हम पहले यहाँ पे टॉप में चारों तरफ में लगा देंगे, एंड उसके बाद में हम यहाँ पे एक और लेस है मेरे पास, ये कलरफुल लेस, इस कलरफुल लेस को हम इस तरीके से सारे जॉइंट्स पे डालेंगे। सो आइए ये भी कर लेते हैं ग्लू गन की मदद से। वो होने के बाद में अब आपको इस तरीके से पोशाक के चारों तरफ में पेपर फ्लावर्स लगा लेने हैं। ये देख रहे हो आप कितना सुंदर लग रहा है। अब हमें जो करना है वो कलरफुल बीड्स, कलरफुल स्टोन्स जो हमने लिया था, तो कलरफुल स्टोन्स हम क्या करेंगे इस तरीके से, आप देख रहे हो यहाँ और यहाँ, इस तरीके से आपको कलरफुल स्टोन्स सब जगह लगानी है। सॉरी ये कर लेते हैं। सो ये देख रहे हो, ये आप इस तरीके से कितना सुंदर एंड कलरफुल पोशाक मिनटों में रेडी हो गया, बिना किसी स्टिचिंग के, आपने सिर्फ ग्लू गन की मदद से बना लिया है। सो अब जो एक और मेन काम रह जाता है वो ये है कि आप ब्लाउज़ कैसे बनाओगे। सो ब्लाउज़ कैसे बनाना है हमें भगवान जी का, ब्लाउज़ बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली क्या करना है हमें, ये लेस मैंने लिया है, इस लेस को हमें इस तरीके से इन दोनों पे ऐसे पेस्ट करना है। हम यहाँ पे सामने की तरफ में, जहाँ पे कटिंग है वहाँ नहीं, सामने की तरफ में हम इधर पे ऐसे पेस्ट करेंगे अंदर की तरफ में, फिर आप ऐसे पहना के इसे पीछे में इस तरीके से घुमा दोगे तो ये ब्लाउज़ बन जाएगा। ये देख रहे हो इस तरीके से। सो आप ऐसे भी रख सकते हो। मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये जो लेस है, मैं ये लेस इसमें साइड में इस तरह से पाइपिंग की तरह दे रही हूँ ताकि कलर ब्लाउज़ में भी आ जाए। तो आपको ये लेस पे ये लेस लगा लेनी है, एंड फिर उसके बाद में आप यहाँ पे इस तरीके से लगा दोगे। तो ये वो भी कर लेते हैं। सो ये आप देख रहे हो, ये कंप्लीट हो चुका है ये पोशाक, कितना प्रिटी लग रहा है। ब्लाउज़ आपने देखा, तो बिना सिलाई के, बिना सिलाई किए इतना सुंदर गोपाल जी का ड्रेस मिनटों में रेडी हो चुका है, कलरफुल होली रेडी। सो आप भी ऐसे पोशाक्स घर पे बना सकते हो, कलरफुल पोशाक हर ओकेशन के लिए बना सकते हो, एंड होली के लिए तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, फागुन का महीना चल रहा है, तो क्यों ना अपने गोपाल जी को आप रोज़ कलरफुल ड्रेसेस में इस तरह से सजाओ। तो देखा कितने टाइम, कम टाइम पे ये पोशाक बन चुकी है। सो ये इंस्टेंटली आज मेरे को थॉट आया और मैंने बनाया। मेरे एक्चुअली, मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि मैम आप प्लीज़ बनाओ, सो उसके रिकमेंडेशन में मैंने ये बनाया, एंड आई एम ग्लैड कि मैंने ये बनाया ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि कितना सिंपल है बनाना। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे, एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो डू हिट द लाइक बटन, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी होली, थैंक यू।